देख लीजिए नेपाल का कैनल कितना खूबसूरत है, मतलब ये है खूबसूरती, ये फीमेल है और क्वालिटी देखिए, मतलब मजा आ जाता है देख के जी। इन्होंने ऐसी जगह बना के रखी है बिल्कुल मतलब ओरिजिनल। चलिए जी बड़ा दिल करके अंदर चलते हैं और ये देखो क्वालिटी दोस्तों। काठमांडू से 10 किलोमीटर आप कह सकते हो ऐसे रोड पर मैं आ चुका हूँ बाइक पर आपको एक कैनल दिखाने। बड़ा मस्त सा कैनल है, कई यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना यही की वीडियो बना के डालते हैं। इतने इतने अच्छे डॉग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और मज़ेदार पैशनेट आदमी है, घर से भी अच्छा है, अलग काम है। यहाँ पर डॉग में कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आया, लेकिन आपको यहाँ के ब्रीडिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है। और बोटिया कुकर कहते हैं कि तिब्बत के डॉग है, बोटा मतलब तिब्बत, कुकर मतलब डॉग। तो चलिए भैया ये कैनल देखते हैं। और ये जी ऐसे जाना पड़ रहा है और ये जंगल का पानी है और ये इस हालात में डॉग रखे हुए हैं उनको वो दिया गया है जैसे शेफर्ड लोग अपने साथ डॉग रखते हैं, वही माहौल यहाँ पर देने की कोशिश की है। टेम्परेचर यहाँ पर 12 से 13 डिग्री और मैंने यहाँ पर पहले ही कैनल किया लेकिन मुझे पसंद आया क्योंकि कैनल बिल्डिंग नहीं होती, डॉग के माहौल के हिसाब से कैनल होता है। अब ये डॉग को कच्ची जगह चाहिए चाहिए, इन्होंने वैसी बनाई है। ये आ गया जी, ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है कांची। कांची, ये कांची डॉग। तो भाई साहब ये भी वहां पर जो गद्दी लोग होते हैं, शेफर्ड लोग जिसको कहते हैं, वहाँ पर डॉग ब्रीड होते हैं और वहाँ से नीचे लाए जाते हैं, फिर यहाँ पर ब्रीडिंग स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको, वैसे भूतिया तो सड़क पर भी मिलेंगे ठीक है ना, 1000-2000 में बिक भी जाता होगा वो, क्योंकि लोग उठाते हैं सड़क के कुत्ते को वही वहाँ पर भेज देते हैं। ब्रीडर बड़े मेंटेन करने वाले कम है, ब्रीडिंग का वही मतलब ब्रीड स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। तो भाई साहब ये देख लीजिए, ये है नेपाल के बोटो कुकर। तो चलिए इनके कैनल की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ, बड़े मजेदार डॉग है यहाँ पर। एक है हमर। अच्छा यहाँ पर एक है, 8 महीने का है इसका, 8 महीने का, ये तो ऐसे लग रहा है। तो ये क्या है आपका खाने पीने का? खाना पीने एक हमारा लास्ट ईयर का पप्पी लोग है। अच्छा ये पप्पी है सारे लास्ट ईयर के? अच्छा ये कितने महीने के? 8 महीने का, 8 महीने का है। और ये देखो ये 8 महीने का, मैंने उत्तराखंड में भी डॉग देखे थे ना, सबसे बड़ा डॉग इतना ही था वो, लेकिन यहाँ पर डॉग की हाइट भी ज्यादा है, क्वालिटी तो चलो नेचुरली होगी। ये 8 महीने का डॉग देख लो क्वालिटी, वो कितने महीने के पप्पी है? 8 महीने के ही है सारे, 8 महीने के है। ये भाई बहन ही है सारे? नहीं, ये भाई बहन है, ये हमें आशीष भैया से लिया था। अच्छा 60,000 में लिया था। कितने का? 60,000 का, आप लोग 60,000 का। और ये देख लीजिए जी यहाँ पर ये कैनल, ये इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा ये लकड़ी का क्यों बनाया हुआ अंदर? नहीं जो है ना ये कच्ची लकड़ी बेस्ट है ना। अच्छा बैठने के लिए? अच्छा उसके ऊपर बैठ जाते हैं। हाँ, उसके ऊपर बैठते हैं बस, ये खुले खुले इधर ही भागते हैं फिर। हाँ। तो इनको और भी जगह में खोलते हैं ऐसे? अब हीट का टाइम है ना। हाँ। ये अब फर्स्ट हीट में आएंगे। अच्छा तो ये ब्रीड हो जाएगा। हाँ इसीलिए हम इधर इनको ब्रीड नहीं करने का ये साल। अच्छा ब्रीडिंग नहीं, दूसरा साल इनको करेंगे। तो ये जब हीट में आ जाएंगे क्लियर हो जाएगा तो ये ऊपर तक ले जाएंगे, ऊपर के कंपाउंड में। अच्छा ये सारी जगह आपकी है? वो ऊपर तक है हमारा। अच्छा ये ऊपर तक इनकी जगह सारी? नेपाल में ज्यादा नहीं है। ये मेल है, ये तो मेल से भी ऊपर लग रही है फीमेल। ये बहुत हेवी है, 38 kg की थी। ये मेल है, ये जो नाखून है ना इसका सब नाखून पैर को छूता है। अच्छा 22 नाखून है इसके पास। 22 नाखून और 22 नाखून में पैर को सुताए, सब जमीन पे सब आ जाता है। अच्छा। ऊपर नहीं रहता है, ऊपर कोई भी बोटिया का ऊपर हिला हुआ रहता है ना 2-3 पैर। हाँ। वैसा नहीं है वो सब। चलिए जी बड़ा दिल करके अंदर चलते हैं और ये देखो क्वालिटी, वाकई यार ये तो मैंने इंडिया में जितने देखे है ना बोटिया भाई साहब ऐसे, ये डॉग है। ये कितने महीने का होगा भैया? 3 साल। ये 3 साल का? तो 2 साल की थी। अच्छा ये फुली एडल्ट है? हाँ। ये फुली एडल्ट डॉग है जी। इससे बड़ा मेल था मेरे पास और तिब्बत से लाया था, वो मर गया। अच्छा तिब्बत से भी लिया? हाँ। और ये देखिए बड़ा था फीमेल से भी। ये देखिए ये फीमेल का साइज है फुली एडल्ट और ये मेल का साइज है। अब आपको आइडिया लग जाएगा कि मेल का साइज कैसा होता है। अच्छा ये इसके जो ये गिनिए ना, एक 4 है ना, उसके बाद 2 ज्यादा है एक्स्ट्रा है ना। पर ये अच्छा ये एक चीज है, ये ग्राउंड में टच कर रही है तो ये क्या कल को भागेगा तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे? अच्छा ज्यादा ग्रिप मिलेगा। अच्छा ये भी वर्क करते हैं यहाँ पर?
हमारे वहाँ पर तो काट देते हैं इसको। ऐसा जगह है ना ये ऊपर खाबर पे ज्यादा बक भी मदद करेगा ना, पीछे से पावर लगाएगा ना। मतलब डी क्लॉज यहाँ पर अच्छी चीज मानी जाती है कि डॉग को पावर मिलता है। ये देखो अच्छा, ये तो यार एक सेकंड में मतलब इसके जो नाखून है ना एक्स्ट्रा, वो भी काम में लाए, वो भी ग्रिप बना रहे हैं। ये देखो डुअल क्लॉक का स्क्रैच है, ये देखिए ये स्क्रैच बन गया। तो भाई साहब अच्छा एक चीज है, इसका टेम्परामेंट बड़ा अच्छा। मैं भी आया हूँ आपके साथ, आया हूँ तो ठीक है, हमारे साथ आएंगे तो ठीक है ना, अकेले आएंगे तो बहुत दिन तक अकेले आऊंगा तो मतलब फाड़ के रख देगा। अब ये देखिए जी, इन्होंने ऐसी जगह बना के रखी है बिल्कुल मतलब ओरिजिनल। ये छोटे छोटे बनाए हुए हैं कि बारिश आ जाए तो इसमें बैठ जाए, बारिश बस इतना ही है। ऊपर टीन लगा दिया, नीचे इन्होंने बांस का बना दिया और अंदर से बना दिया ऐसा कि डॉग आए अपने यहाँ पर बैठे बारिश में। अपनी इच्छा से आएंगे ना, अपनी इच्छा से ही अपनी इच्छा से आएंगे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाना देना, सफा करना बस। अच्छा तो ये देख लीजिए, और पार्वो यहाँ पर भी आता है, ये भैया का कहना, कहते पिछले पार्वो इधर नहीं, अब तक पार्वो नहीं आया इधर, मेरे घर में आया इधर नहीं आया। अच्छा सिटी एरिया पे ज्यादा, सिटी एरिया पे ज्यादा हाँ, सिटी इधर इधर ये तो आप कह सकते हैं विलेज एरिया ही कह सकते हैं इसको। तो ये देख लीजिए नेपाल का कैनल कितना खूबसूरत है, मतलब ये है खूबसूरती। मैं बिल्डिंग नहीं दिखाना चाहता, मैंने बिल्डिंग वाले कैनल भी दिखाए हैं, वो शहरों के हिसाब से अच्छी है बड़ी। अब ये देखिए ये बिल्कुल इन्होंने ओरिजिनल रखा हुआ है। डी क्लॉज जो एक्स्ट्रा नाखून होते हैं हमारे इंडिया में काट देते हैं, वो भी नहीं इन्होंने काटे हुए, जो पैदा हो गया वैसा ही रखना, कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं करना। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये बड़ा मतलब मजा आ गया यहाँ पर। ये बच्चे लोग तोड़ फोड़ करते हैं ना, हाँ मेंटेन करने का टाइम हो गया है, 2 साल पुराने सब है। हाँ तो दोस्तों आपको क्या लगा, देखिए नेचुरल कैनल है, नेचुरल डॉग रह रहे हैं, वो बारिश में भी सम टाइम बाहर ही रहते हैं। तो खाना क्या चलता है यहाँ पर, खाना चिकन ब्रॉयलर बॉयलर बॉयलर राइस हाँ और योगर्ट अंडे रहते हैं कभी कभी, वो घर का खाना। चिकन का प्राइस क्या रहता है यहाँ पर, चिकन का तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम वो ईयर का बेसिस में लेते हैं ना, हाँ। 1 लाख को हमारा 1 साल का 2 लाख का चिकन लग जाता है इनको। तो अंडा कितने का, अंडा 50-60 हजार का, 60 हजार का लग जाता साल में, का। हाँ। मतलब 3 लाख में ये कैनल चल रहा है, 3-5 लाख लग जाता है, 7 लाख 7 लाख पूरा 1 साल का खर्चा खर्चा वो मेरा स्टाफ को, मैं 2 लाख रुपया उनको भी देते देते हैं ईयर का, वो मेरा दोस्त भी है, मेरा स्टाफ भी है। तो ये देख लीजिए ये डॉग है यहाँ पर, अब ये तो ये ना वो हीट में है। अच्छा। देख सकते हो ये हीट में है। तो ये दो को ही अलग रखा है अब। अच्छा ये हीट में आ गई, ये नेचुरल ब्रीडिंग होगी। हाँ, नेचुरल ब्रीडिंग, आपने कोई पकड़ना नहीं, नहीं, कोई नहीं, 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 आपने नहीं। सिर्फ एक डॉग छोड़ देना और फीमेल छोड़ दी अलग, वो अपने आप मीटिंग करेंगे अपने हिसाब से। ये बड़ा अच्छा लगा यार, इसमें सक्सेस रेट भी अच्छा होगा। तो हमारे वहाँ पर फीमेल को अलग रखा जाता है, फिर जाते हैं प्रोजेस्टेरोन करवाते हैं, वैसा सिस्टम नहीं है यहाँ पर, अलग जगह में रख दो। एज 2-2.5 साल में दूसरी हीट को देखा जाता है, 1 साल में एक बार में हीट आती है। अब ये एरिया में देख लो, एक मेल है एक फीमेल है, और ये बस अपने आप से मीटिंग करते हैं, मीटिंग के लिए। अब हमारा ये सीजन खत्म हो जाएगा ना, वो हम सब फीमेल डॉग को इधर शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा। और सब इधर रहेंगे, जो फीमेल रेडी होगी उसको मेल के साथ छोड़ दो और घर में जाके सो जाओ, वो टेंशन नहीं लेने का, जब वो प्रेगनेंट होगी तो आपको पता लग जाएगा। ये भाई साहब ये देख लीजिए, ये फीमेल है, और क्वालिटी देखिए, मतलब मजा आ जाता है देख के। ये भाई ये सच में बोलू, दिल से बोल रहा हूँ, हमारे इंडिया में ऐसा डॉग मैंने नहीं देखा। अच्छा डॉग है, उत्तराखंड में 2-3 डॉग थे बिल्कुल सेम कैटेगरी थे, वो भी अच्छे थे, हाँ वो मेल थे, ये फीमेल है, पहली बात है ये फीमेल है, और ये देख लीजिए क्वालिटी। तो ये वीडियो कैनल का था, कैनल का नाम बताइए भैया, हिमालयन मैस्टिफ नेपाल, हिमालयन मैस्टिफ नेपाल। हाँ आप हमको टिकटॉक में भी, अच्छा टिकटॉक तो यहाँ पर चलता है, नहीं हमारा लगभग बहुत फेमस है टिकटॉक पे हमारा फार्म, तो टिकटॉक हमारे इंडिया में बंद है ना। हाँ, हाँ, तो आपको यहीं से हमको फेसबुक में भी देख सकते हैं, हिमालयन मैस्टिफ नेपाल करके हमारा पेज है, ठीक है उसको भी फॉलो कीजिए। हाँ, हाँ, कर सकते हैं। अच्छा मैं एक चीज, लोग कमेंट कर रहे हैं कि कार्तिक भाई कितने पैसे लिए ये कैनल कवर करने के लिए, नहीं नहीं फ्री में, फ्री में कितने पैसे लिए जी मैंने, फ्री में आपने चाय पिलाई होगी मुझे, ठीक है ना। और ये कई लोग देख रहे हैं कि 10 वीडियो आ गई अमर डॉग कैनल की, तो भैया अमर डॉग कैनल का नंबर उधर है, उससे पूछे
कि कार्तिक कितने पैसे लेकर गया, ठीक है ना। आप कमेंट कर देते हो भैया 6-7 वीडियो आ गई या कितने पैसे ले लिए, भाई साहब औकात के हिसाब से ना बात किया करो, और पैसे पैसों से संबंध नहीं होते, इंटरेस्ट की बात है ना सब कुछ, इंटरेस्ट की और पैसन की बात है ज्यादा सबसे। अगर मुझे पैसा नहीं होता मैं 3,000 किलोमीटर यहाँ पर झक मारने थोड़ा आता आपको। मैं अगर भूतिया कुत्ते दिखा रहा हूँ, ये अपनी इंडियन ब्रीड है भैया, थोड़ा दिल भी हर्ट होता है जब आप कमेंट करते हो तो ये गलत लगता है। ये 2 साल का मेल है। अच्छा ये 2 साल का है। अच्छा इसको बांध क्या हुआ है ये, ये नहीं ये जो है ना अब छोटा वाला है नीचे, ये दीक करके बाहर चला जाएगा। अच्छा ये खुदाई कर लेता है। अगर एक जगह पे 2 मेल नहीं रख सकते ना, मीटिंग का सीजन चल रहा है ना, मार देगा, चिरफार कर देगा वो, जो बड़ा वाला होगा जो ज्यादा ताकतवर होगा छोटे वाले को खत्म कर देगा। अच्छा एक बात बताओ, ये इतनी हाइट है इसके लिए प्रॉपर है, भागते नहीं है यहाँ से? भागेंगे तो भी वो आ जाएंगे, वापिस आ जाएंगे। उत्तराखंड में तो लोग छोड़ ही देते थे, गांव गांव में घूमता था पूरा दिन डॉग। अच्छा इसका कलर अलग है, ब्लू है, ब्लू। ये ब्लू कलर का, इसकी बेटी है उधर। अच्छा तो ये कहेगी तो नहीं, फिर और ये देख लीजिए, ये भी बच्चे बाहर निकालते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले हैं। ये देखिए ये भी 8 महीने का है, ये भी 8 महीने का सिर्फ। कहा था ना आपका, हाँ। उसका ही बेटा है, उसका बेटा है वो। तो मेरा बाल इतने रहते हैं या सर्दियों में बढ़ जाते हैं? सर्दियों में बढ़ जाते हैं, सर्दी आई नहीं, इधर बर्फ भी गिरता है समटाइम। अच्छा बर्फ गिरेगा, हाँ। तो बाहर और बढ़ जाएंगे इनके, हाँ। तो बाहर काट रहे कुछ नहीं, कुछ नहीं, 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 जो नेचुरल है गिरेंगे नेचुरल। और भाई साहब और इनको नहलाते भी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, और आप देख लिए स्किन प्रॉब्लम भी किसी का नहीं है, सब क्लियर है स्किन। डॉग को ये कहते हैं कि डॉग को नहलाना पाप है, मतलब डॉग को नहलाना ही नहीं है, कोई शैम्पू नहीं कोई कुछ नहीं। हम इंडियन तो लगे रहते हैं पूरा दिन, कभी शैम्पू लगा कभी कंघी करो, यहाँ पर कोई कंघी नहीं है कोई शैम्पू नहीं है। हम और टिक और फ्रीज का कंट्रोल करते हैं, टिक और फ्रीज बहुत। अच्छा टिक्स आते हैं यहाँ पर, टिक्स वो उसके लिए क्या करते हो फिर? टिक्स के लिए, टिक्स के लिए हम ड्रॉप यूज करते हैं, ड्रॉप लाइक डीटी। अच्छा वो जो पाउडर ड्रॉप ड्रॉप मिलता है तो वो 3 महीने में एक बार लगा दो बस? नहीं नहीं हम समर में यूज करेंगे। अच्छा समर में यूज कर लो, समर में यूज कर, ठंडी में तो ज्यादा नहीं आते ना, ठंडी में तो मौसम ही बहुत ठंडी होती है ना इधर। ये क्या जी, ये आराम से बैठा बड़ा? नहीं उसको वो भी हीट में है, ये भी भागेगी इधर से। अच्छा ये देखिए ये चुप के बैठा है, ये खड्डा खोद रहा है, और ये लग रहा है कि मालिक को पता ना लगे कि मैंने खड्डा खोदा है, तो चुप करके वहां पर साइड पूरा ये फाड़ दी। हाँ वो भी देखो फाड़ दिया, तभी इन्होंने रखा नहीं हुआ। ये देखो डोंगू का हाल, मतलब नेचुरल है यार। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज नीचे कमेंट करना। और भाई साहब जो हेटर होते हैं ना, तुम करते रहो जितना करना है, हम जर्मनी भी जा रहे हैं, सर्बिया भी जा रहे हैं, कनाडा भी जा रहे हैं, नेपाल के बाद हम बड़ा कुछ दिखाएंगे आपको। सब्सक्राइब कर देना नए हो तो आपको ये कैसा कैनल लगा। मैं खड़ा हूँ इस टाइम पर काठमांडू हिमालयन मैस्टिफ कैनल में। थैंक यू, बाय बाय।